हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडोपोलिस। आज मैं आप लोगों से बेसन के बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून गर्म कर लिया है अच्छा घी और 1 कप छोटे चाय के कप से मैंने डाल दिया है यहाँ पे बेसन। और इसे हम लोगों को फ्राई करना है, मतलब कि भूनना है लो फ्लेम में, फ्लेम को एकदम हाई ना करें। और अभी चल रहा है लॉकडाउन का समय तो बहुत ज़्यादा घी मैंने ऐड नहीं किया है। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कलर चेंज हो गया है, इसे स्लो फ्लेम में फ्राई करने से कलर चेंज हो जाता है और कच्चे बेसन का स्मेल भी चला जाता है। और 20 मिनट तक मैंने फ्राई किया है, 20 या 25 मिनट लग जाते हैं बेसन को फ्राई करने में। और ये मावा है जो मैंने घर में ही बनाया है, मावा में मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स है मैंने ऐड किया है और शुगर भी मैंने ऐड किया था पूरी तरह से, इसलिए मैं और एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने फ्राइड बेसन को डाल दिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और सभी को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जस्ट मिक्स करना है, फ्लेम एकदम लो है। और मिक्स करने के बाद हम लोग इसे ट्रांसफ़र कर देंगे जिस भी ट्रे में आपको मतलब जमाना है बर्फ़ी को, उस ट्रे में मतलब थाली में मैं जमा रही हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से छोलनी से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप लोग इसे जमा लें और एक शेप दे दे। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने गोलाकार दे दिया है और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद मैं इसे काट रही हूँ और बीच बीच में काटते समय मतलब काजू के पीसेस आ रहे हैं जो काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं काटने में। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसे अच्छे से शेप में काट लिया है और बस इसे हम लोग को आप जैसा आप शेप चाहे वैसा बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं। और मेरे पास फ़िलहाल तो अभी काजू थे तो मैं काजू से ही इसे गार्निश कर दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।